नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने इस बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भागवत को पथ प्रदर्शक कहते हैं। पथ प्रदर्शक भागवत है या फिर शंकर अंजान, इस पर विचार करें। गोगोई ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से मुखातिब थे। उनके मुताबिक भागवत ने केवल हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री सोनोवाल को परामर्श दिया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। राज्य को धर्म पर आधारित एनआरसी नहीं चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनोवाल ने कहा है कि मोहन भागवत उनके पथ प्रदर्शक हैं, तो फिर शंकर अंजान क्या है? गोगोई ने मुख्यमंत्री सोनोवाल पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गोगोई ने सवाल उठाया है कि राज्य सरकार की एडवांटेज असम के बाद असम में कितनी निजी निवेश हुआ है, सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तेल क्षेत्र से लेकर हवाई अड्डों आदि सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम उपक्रमों को निजी हाथों में देने से क्या पता चलता है। उनके अनुसार यह बताता है कि यह सरकार दिवालिया होने जा रही है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर गोगोई काफी आशान्वित दिखे। बोले कि कांग्रेस ने इस बार 4 में से 3 प्रत्याशी चाय जनजाति से उतारे हैं, जबकि भाजपा ने चाय जनजाति का एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। यह बताता है कि भाजपा को इस समुदाय के लोगों का कोई ख्याल नहीं है, वह चाय जनजाति विरोधी हैं। धन्यवाद।